अगर मैं ये पूछूं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर, तो इसको जरा टेक्निकली समझते हैं वेक्टर फॉर्म से कि डायरेक्शन निकलती कैसे है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डिस्क है और ये आपका फोर्स वेक्टर है, ये आपका फोर्स वेक्टर है, और लेट अस सपोज ये आपका आर वेक्टर है। एक फोर्स वेक्टर है और एक आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, एफ वेक्टर है, और टॉर्क वेक्टर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और वेक्टर के अंदर हमने क्या सीखा था, क्रॉस प्रोडक्ट में, आर क्रॉस एफ में चार फिंगर राइट हैंड, आर वेक्टर क्रॉस एफ, तो टॉर्क वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर, आर क्रॉस एफ, टॉर्क वेक्टर ऊपर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो कई लोग सोचते हैं कि टॉर्क वेक्टर ऊपर मतलब क्या है, क्या मतलब है टॉर्क वेक्टर ऊपर, मतलब क्या कि जब ये बॉडी तेज घूमेगी तो ये ऊपर भी उठेगी, गोल गोल ऐसे, ये टॉर्क वेक्टर ऐसे आएगा। ठीक, इमेजिन करें फिर से, आपके पास एक रॉड है, ठीक है, आपके पास एक रॉड है और रॉड में से आप क्या कर रहे हैं, ये रॉड है और ये टायर है, ठीक है, ये टायर है, आप कैसे कर रहे हैं, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो सोचें ये फ्री टू मूव है टायर, तो तेज घुमाना है आपको, तो होगा क्या, ये आपका एफ वेक्टर है, ये आपका एफ वेक्टर है, ठीक, और ये आपका आर वेक्टर है, ठीक, आर वेक्टर, एफ वेक्टर, क्योंकि एक्सिस ये रहा ना, एक्सिस से डिस्टेंस तो आर वेक्टर होगा, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, हम कहां जा रहे हैं, इधर, तो टायर घूम घूम के कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और अगर आपने फोर्स को यहां लगा दिया तो आर क्रॉस एफ, तो आपका टायर घूम घूम के इधर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक और सिंपल तरीका है कि अगर मान लो ये टायर ऐसे घूम रहा है, तो देखो असली तरीका वही है आर क्रॉस एफ वाला, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, एक तोड़ छोटा सा है, टायर अगर ऐसे घूम रहा है, इमेजिन करें एक शॉर्टकट है, चार फिंगर को टायर के साथ घुमा दें, थंब आपको डायरेक्शन देगा टॉर्क की, ये देखो टॉर्क इधर आएगा, टायर ऐसे घुमा दें ऐसे जाएगा। मान लो वो बच्चे खेलते हैं, वो एक स्टिक के ऊपर दो पंख से लगा के हेलीकॉप्टर बना के तो ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर उड़ता जाता है, तो जब आप ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, टॉर्क ऊपर, हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, जब आप उल्टा घुमाते हैं तो नीचे आता है, हाथ पे लगता है। अच्छा, टेक्निकली अगर ये आप ऐसे लगाते हैं तो फोर्स ये गई, फोर्स आपकी तरफ, टेंजेंशियल फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन आर वेक्टर, ये रहा, तो आर क्रॉस एफ ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्सिस है, ये आर वेक्टर है बाहर की तरफ एक्सिस से, और फोर्स मैंने यहां लगाई तो आर क्रॉस एफ ऊपर, और ऐसे ही अगर फोर्स उल्टी लगाई तो आर क्रॉस एफ नीचे। तो बेसिकली इसका कोई तोड़ नहीं है आर क्रॉस एफ का, एक्चुअल जो वैल्यू निकलेगी वो ऐसी निकलेगी आर क्रॉस एफ से, मतलब आपको आर क्रॉस एफ राइट हैंड से कैलकुलेट करना है। तो ये एक तरीका है, लेकिन थोड़ा इजी पर्पस के लिए हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन तो नहीं कहलाई जाएगी कि जैसे अगर ये बॉडी ये ऐसे घूम रही है तो ये एफ वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं इसमें टॉर्क वेक्टर कहां पर होगा तो क्या आंसर होगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो थंब कहां जा रहा है, बोर्ड के इनसाइड, तो टॉर्क वेक्टर कैसे होगा, इनसाइड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्लियर है कैसे होगी,